नाजरीन, सिंदूर पोलो फेस्टिवल 2022 दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में यकम जुलाई से शुरू होगा। ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं तो अपना अगला सफ़र चित्राल की तरफ करें, जहां ना कि आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे बल्कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ज़रूर मुतासिर होंगे। इन्हीं में से एक फ्री स्टाइल पोलो है। आज के व्लॉग में आपको लेके जा रहा हूं सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े सिंदूर पोलो ग्राउंड, जहाँ हर साल जुलाई के महीने में सिंदूर फेस्टिवल मनाया जाता है। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है चित्राल सिटी से, जो कि तकरीबन 9 घंटे का है। जाने से पहले आपको बताता चलूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्थन स्पोर्ट्स एंड यूथ सेंटर चित्राल, जहां आपको पोलो से मुतल्लिक हर चीज़ बआसानी मिल जाएगी। NSYC आपको दे रहा है ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत ऑल ओवर चित्राल एंड गिलगित। फॉर मोर डिटेल्स मस्ट विजिट योर फेसबुक पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप सिंदूर का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मस्ट लाएँ, जैसे कि टेंट, स्लीपिंग बैग, जैकेट, एक्स्ट्रा क्लोथ्स। खाना आपको वहाँ के बाज़ार से मिल जाएगा, और हाँ, लास्ट में यार प्लीज़ सनब्लॉक लाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। दूर जाते हुए रूट के मेजर वैलीज ये हैं, चित्राल सिटी, मस्तूच, लसपुर और देन सिंदूर। जो ही हम मस्तूच से आगे निकले, रास्ते में सैलाबी रेले की वजह से 6 घंटे तक रोड ब्लॉक रहा और रात हमें गाड़ी में गुजारना पड़ा। वो कहते हैं ना, हर गम के बाद खुशी है। अगले ही दिन कुछ इस तरह का मंजर हमारे आंखों के सामने था। सुबह सुबह पहुंचे सिंदूर पोलो ग्राउंड। अगर आप एक एडवेंचर्स लवर हैं और अभी तक आपने सिंदूर पोलो ग्राउंड विजिट नहीं किया, तो आई थिंक मस्ट विजिट सिंदूर पोलो ग्राउंड, स्पेशली इन दीज डेज जो फेस्टिवल है। और इस साल 2022 को जो है 1 जुलाई से 3 तक जो है ये फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। और जो रूट है सिंदूर पोलो ग्राउंड पहुँचने तक, और वो एक डरावनी ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ ना, और वो भी इस तरह रहा कि बड़े एडवेंचर्स रहा। 1936 से हर साल चित्राल और गिलगित सिंदूर के मकाम पर मद्दे मुकाबिल होते हैं। 1986 को पहली दफ़ा हुकूमत की सरपरस्ती में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो मेन ग्राउंड है सिंदूर का, और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर सिंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़ होगा। और चलिए मैं आपको जो है ग्राउंड दिखाता हूँ, ग्राउंड का व्यू आपको दिखाता हूँ। सिंदूर ऑफिशियल सॉन्ग पर्सनली मेरा फेवरेट है, और फिर जिस तरह मेहताब ज़िया ने इसे परफॉर्म किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मधुर मधुर ए वादिय सिंदूर, सिंदूर सिंदूर शैली चित्रार, मधुर मधुर मधुर। चित्राल जिंदाबाद, गिलगित
बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद, शंगूर रहेगा कायम हर साल जिंदाबाद। बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद। डे वन में 3 मैचेस खेले गए जिसमें से 2 चित्राल और 1 गिलगित अफसर जीता। रात को चित्राल कल्चर नाइट हुआ जिसको होस्ट कर रहे मेहताब जी। आप सबको आज की इस प्रोग्राम में चित्राल कल्चर नाइट में खुशामदीद कहता हूँ। चंदूर पोलो फेस्टिवल डे 2। व्यूअर्स मेरे साथ हैं मेरे जूनियर्स मुसन्निफ और अब्दुल्ला। कैसे हो यार? ठीक ठाक। चंदूर आए हुए आपके कितने दिन हो? 12 दिन। देखें, 1-7 दिन हो गए, 1-12 दिन। हम व्लॉगर हैं, हमारे कल ही आया हूँ, तो ये होते हैं पेशेंट किसी चीज़ के लिए। व्लॉग देख लो। मेरे व्लॉग देख लो। हाँ, कैसे लगते हैं जरा बताएं? बहुत अच्छा। बाकी पैसे बाद में। डे 2 को 3 मैचेस खेले गए जिनमें से 2 मैचेस चित्राल और 1 गिलगित जीता। वैसे आपस की बात है, असल में व्लॉग अब शुरू है। वेलकम टू द फाइनल डे ऑफ शंदूर पोलो फेस्टिवल। डे 3, यार क्या बताऊँ, नहायत ही खूबसूरत सुबह। और मैंने कहा यार कई आज, क्योंकि आज लास्ट डे है चंदूर में, आज हमें निकलना है चंदूर से। मैंने कहा कई यार चंदूर लेक मिस ना हो जाए हमारे व्लॉग से, तो मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया और डायरेक्ट जो है इस लोकेशन पर पहुँचाऊँ। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ब्लू कलर में लेक। और इसकी खूबसूरती का ये मैं बता दूँ कि ये ग्राउंड के इस साइड पर भी, और फिर मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में लेक हैं, तो ग्राउंड की खूबसूरती जो है वो उसमें निखार आ जाता है जब आप इस तरह के स्पोर्ट जब इस तरह के जगह पर होते हैं। आपको पता है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है और रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आज का बताता चलूँ कि आज फाइनल है चित्राल ए और गिलगित ए के माबेन। टोटल 7 मैचेज होते हैं जिसका लास्ट मैच जो है 7th वो आज होगा। और पिछले जो 6 मैचेस में से 4 मैचेस जो हैं चित्राल जीता है और 2 मैचेस जो थे वो गिलगित। और व्यूअर्स फिलहाल जो हैं चित्राल ए टीम के घोड़े जो हैं किट हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो है मैच शुरू होगा। और मैं आपको प्लेयर से भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे कौन मिला है शंदूर में। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर भाई क्या हाल है? ज़बरदस्त, फिटफाट। और कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, आखिरी मैच होने लगा है गिलगित और चित्राल का, पूरा साल इसका इंतज़ार किया जाता है। ये सारे घोड़े तैयार हो रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड में और मैच देखेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि उज़ैर भाई जो हैं कंटेंट क्रिएटर हैं और वीडियोग्राफर हैं और मुख्तलिफ बहुत 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 कुछ है, मैं इधर बयान नहीं करता। आप इनके इंस्टा चेकआउट कर सकते हैं, उज़ैर आर्ट्स। उज़ैर आर्ट्स मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं गिलगित ए टीम जो है वो ग्राउंड में आ चुकी है। और मेरे स्किन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज यहाँ कितना इफ़ेक्ट करता है स्किन को। और पीछे जो है ब्लू कलर में आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं ये है गिलगित के। अभी मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान ए टीम के कैप्टन शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब ये बताएँ कि जो तारीख देखी जाती है तो तकरीबन पिछले 15 सालों से इसी तरह मैच हार रहे हैं गिलगित के,
टीम, हमें बहुत प्यारे गिलगित के हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं आप, तो अब ये बताएं कि इस साल आपने कौन सा इस तरह प्लानिंग किया है कि आपको लगता है कि आप वो तारीख बदल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हमने घोड़ों में तब्दीली लाई है। सही, पहले हमारे पास घोड़े इतने अच्छे नहीं थे, इस दफ़ा हम घोड़े सारे अच्छे लेके आए हैं और थारपोरेट घोड़े लेके आए हैं, इंशाल्लाह हम इस दफ़ा विन करेंगे। मतलब इसके ये समझे, मतलब ये है कि आप पहले जो हारे हैं उसकी मेन वजह घोड़े थे? घोड़े। अच्छा, तो इस बार मेरे ख्याल में घोड़े अच्छे हैं। हाँ, तो अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में भी अच्छे हैं। अच्छा, भी पूरी की है। सही, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अभी टाइम आया कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ चित्राल की टीम से। सिकंदर उल मुल्क मेरा नाम है और मैं चित्राल पोलो एसोसिएशन का सदर हूँ और आज चित्राल ए टीम का कैप्टन, और मेरे घोड़े का नाम सिल्वर है। मेरा नाम नसरुल्ला खान है, मेरे घोड़े का नाम टास्को है। मैं चित्राल ए टीम की तरफ से खेलता हूँ और 3 नंबर पे खेलता हूँ मैं। मेरा नाम इजहार अली है, मैं चित्राल की तरफ से 2 नंबर पे खेलता हूँ और मेरे घोड़े का नाम चीता जूनियर है। मेरा नाम शहजाद अहमद शाह जी, चित्राल ए टीम से, मेरे घोड़े का नाम बुलबुल। मेरा नाम अमीर रमजान, मैं चित्राल टीम की तरफ से खेलता हूँ, मेरे घोड़े का नाम मलंगी है। मेरा नाम मेराजुद्दीन है और मेरे घोड़े के नाम है जारी। व्यूअर्स, मैच बस मिनी सेकंड बाकी है, बस सिर्फ बॉल जो है वो आज के मेहमान खुसूसी जो है वो बॉल फेंकेंगे, उसके बाद जो है मैच कंटिन्यू होगा। गिलगित है चित्राल है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि हमारे चित्राल की टीम आज भी जीत। हमने और बरकरार रखा, क्या फीलिंग क्या है आपके? फीलिंग जबरदस्त, और 16 साल तक और जीतेंगे। और यूं कांटेदार मुकाबले के बाद चित्राल 10-9 से जीत गया। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा लसपुर की आवाम का, जिन्होंने रोड ब्लॉक होने की वजह से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए सयाहों के दिल से मेहमान नवाजी की। ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।